बाइसेप कर्ल्स करते समय अगर आपका रिस्ट जॉइंट पेन होता है तो आपको समझना होगा कि जब हम नेचुरली एल्बो फ्लेक्स पोजीशन में आर्म को कर्ल करते हैं तो हमारा नेचुरली आर्म इस पोजीशन में रेस्ट करता है, एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा सा डायगोनल पोजीशन में रेस्ट करता है। सो अगर आप रिस्ट जॉइंट पे सुपिनेशन मोबिलिटी लैक कर रहे हो, मतलब कि आपका आर्म स्ट्रेट आपको ऊपर पॉइंट करना है, इस मोबिलिटी को अगर आप लैक कर रहे हो तो आपका रिस्ट जॉइंट हमेशा पेन करेगा व्हेन डूइंग बाइसेप कर्ल्स, क्योंकि बाइसेप कर्ल्स में आपको ऑलमोस्ट आर्म को स्ट्रेट रखना पड़ता है इस तरह से। तो दैट्स वेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर रिस्ट सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मोबिलिटी सो एज टू रिड्यूस दिस पेन। तो यहाँ पे आपको एक डंबल लेना है जिसके एक ही साइड में वेट होगा, देन यू हैव टू फिक्स योर एल्बोस एंड फिर इस डंबल को इस साइड स्लोली मूव करना है और फिर यहाँ से इस साइड मूव करना है। इसको चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो अनसपोर्टेड, या फिर आपके हाथ को आप कोई भी टेबल या चेयर पे सपोर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन डू दिस सेम मोमेंट।